हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल अजीत। और कैसे हैं आप सभी? आप सभी भी अच्छे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाने वाला हूँ ये नया प्रोडक्ट जो मैंने अपनी नेक्स्ट राइड के लिए मंगवाया है। एक और एक्सेसरी है और ये मंगवाया मैंने ब्लू आर्मर की तरफ से। तो अभी अनबॉक्स करके देखते हैं इसके अंदर क्या प्रोडक्ट है। वैसे थंबनेल से आप लोगों को आइडिया हो ही जाता है, तो जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स और वीडियो को स्किप करे बिना देखना। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स और इंस्टॉलेशन भी इसका करके दिखाऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में। तो Let's start। इस साइड से मैं नहीं दिखाऊंगा, यहाँ मेरा एड्रेस है पूरा। बाकी यहाँ लगा हुआ है इसका, आई गेस ये बिल है। इसको बाद में खोल के देखेंगे। तो सीधा करते हैं प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग। और पैकिंग काफ़ी अच्छी है इसकी। तो ये है हमारा प्रोडक्ट। नाउ आप देख सकते हो, दिस इज़ ब्लू आर्मर ब्लू 3 A10 कूलिंग डीफॉग डस्ट फ्री। ये एक हेलमेट कूलर है जिसे हम हेलमेट में चिन माउंट पर इंस्टॉल करेंगे, जैसे नॉर्मली हम चिन माउंट पर एक्शन कैमरा इंस्टॉल करते हैं। और इसके जो फीचर्स हैं, ये कूलिंग करता है, डीफॉग करता है और डस्ट फ्री आपका रहता है। बाकी ऊपर से आप यहाँ और देख सकते हो एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट A10। इट्स अ पर्सनलाइज्ड कूलिंग, सिंगल लार्ज क्लिक सरफेस, ट्यून एयर फ्लो एंड डायरेक्शन, वाटर बेस्ड कूलिंग है। ऑल्सो दिस ऑफर्स क्विक डीफॉग एंड डस्ट फ्री क्लीन एयर और लॉकेबल कार्ट्रिज है। पावर्ड बाय ये रिवोल्यूशनरी टेक। एंड इसका जो प्राइस है, इस साइड आप देख सकते हो, ये ब्लू आर्मर से मंगवाया है मैंने। इसका आपको एड्रेस यहाँ मिल सकता है, आप ब्लू आर्मर की वेबसाइट से इसे ऑर्डर कर सकते हैं www.thebluearmor.com। और इनका चिन माउंट भी आता है जो मैंने ऑलरेडी अपने हेलमेट पर गोप्रो माउंट के लिए इंस्टॉल किया हुआ है। आपने अगर आपने मेरा मोटो व्लॉग वाला एडिशन वीडियो देखा है जिसमें मैंने कैमरा सेटअप किया था, तो उसमें आपको उसका लिंक मिल जाएगा और मैं इस वीडियो में भी उसका लिंक डाल दूंगा। तो इस बॉक्स का जो प्राइस है ब्लू आर्मर A10 का, ये है 2299 का। और अब करते हैं इसे भी खोलकर देख लेते हैं। अब तो ये एक लैमिनेटेड बॉक्स में आया हुआ है। तो काफी अट्रैक्टिव बॉक्स है अगर आप देखो इसे। ये कुछ इस तरीके का एक बहुत यूनिक बॉक्स डिज़ाइन है। और यहाँ आप जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ मिलता है एक वेलकम नोट। तो आप ये वेलकम नोट देख सकते हो, ये गोइंग फ्रॉम आइडिया टू मार्केट इज़ अ लॉन्ग जर्नी एंड वी थैंक यू फॉर सपोर्टिंग आवर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। सो सबसे अच्छी बात है ये मेड इन इंडिया है। एंड इट्स अ मैसेज फ्रॉम सुंदर राजन कृष्णन हु इज़ द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ब्लू आर्मर। तो कुछ इस तरीके का एक ये यूनिक बॉक्स है। फर्स्ट टाइम इस तरीके का एक बॉक्स देख रहा हूँ मैं। और इसको ये हमारा प्रोडक्ट है जिसको अभी हम तो कर देते हैं साइड। और ये कुछ इंस्ट्रक्शंस एंड चेकलिस्ट है जो आप पढ़ना चाहेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये हो गए इसके क्विक टिप्स। और यहाँ नीचे इसका ये इंस्ट्रक्शंस मैनुअल है, क्विक स्टार्ट गाइड। और आपको यहाँ एक डाटा केबल मिल जाता है और ये माइक्रो यूएसबी बी टाइप जो है वो कनेक्टर है इसका चार्जिंग के लिए। तो कुछ इस तरीके के बॉक्स में, अच्छे से बॉक्स में पैक होकर आता है। और अब देखते हैं अपना हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उसे। तो ये है हमारा मेन प्रोडक्ट, आप देख सकते हो यहाँ ये कूलर फैन है। एंड यहाँ इंस्ट्रक्शंस है रिमूव बिफोर यूज़। देन आप यहां देख सकते हो इसमें एक चिन माउंट भी साथ में आया है इंस्टॉल करने के लिए हेलमेट सरफेस पर। ऑलरेडी मेरे एक हेलमेट पे लगा हुआ है तो मैं अपने दूसरे हेलमेट्स में इसको लगा सकता हूं। और ये सरफेस है, ये आप देख सकते हो ये हेलमेट के अंदर जाता है। ये कुछ जब इंस्टॉल करेंगे अभी इसको तो ये हेलमेट के अंदर जाएगा और ये अंदर हेलमेट के अंदर कूलिंग देगा। तो अभी इसके इंस्ट्रक्शंस हम पढ़ने के बाद इसको प्रॉपर करके देखेंगे, पूरा इंस्टॉलेशन करके
और उसके साथ आपको मैं दिखाता हूँ पूरा। और इस बॉक्स में एक ये भी निकला है मॉड्यूलर एक्सटेंडर, अगर आपको अपने आपके हेलमेट में एक्सटेंडर की ज़रूरत है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम इसको पूरा इंस्टॉल करके पूरा दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अनबॉक्सिंग आपने देख ली थी, अब करते हैं इसको रिव्यू। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये जो इसका क्विक रिलीज़ है, आपको ये अनलॉक करने के लिए ये लॉक सिस्टम है, तो आपको ये रबड़ को ऊपर पुश करना है। इसे पुश करने के बाद आप ये बकल को जब प्रेस करेंगे तो आपका ये जो है चिन माउंट ये निकल कर बाहर आ जाएगा। और इसे अब हम पेस्ट करेंगे अपनी हेलमेट पर। और ये जो है आपका हेलमेट कूलर, इसका भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको ये रिमूव करने के लिए है, यहाँ आपको एक्सटेंडर लगा हुआ है, देन यहाँ ये वाला जो बकल्स हैं इनको खोलकर आप इसे निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये तीन पार्ट्स में डिटैच हो जाता है पूरा। फर्स्ट ये कूलर असेंबली है, सेकंड ये इसका फिल्टर है। इस फिल्टर को आपको थोड़ी देर पानी के नीचे रनिंग वाटर के अंदर या डिप करके रखना है किसी मग वगैरह में, तो ये थोड़ी सी देर में करके ये पानी को कुछ लेवल पानी को ये होल्ड कर लेता है। और फिर यही इसी से जब हवा पास होती है ना, तो वो हवा आपको ठंडी लगेगी। तो हम वापस इसको असेंबल कर लेते हैं। और इसको असेंबल करना बहुत ईजी है, आपको सिर्फ इस तरीके से पोजीशन लेके इसे ऊपर प्रेस करना है और ये लॉक हो गया। और सिमिलर इसे इस तरीके से लगाना है इन माउंट्स को सामने मैच कर कर, तो इस तरीके से ये पूरा रेडी हो जाता है। और अपनी चिन के या अंदर हेलमेट के अंदर आप अगर हाइट अप करना चाहते हैं हवा के लिए, तो इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये पूरा इसकी फंक्शनलिटी है। यहाँ आप देख सकते हैं, जब हम इसको दो बार प्रेस करेंगे तो ये लेवल वन पर स्टार्ट होता है। अभी ये लेवल वन पर स्टार्ट हो गया है, आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा, बहुत लो साउंड है और यहाँ हवा का जो फ्लो है वो भी काफ़ी स्लो है। अगर आपको थोड़ा और चाहिए तो आप इसको एक बार और प्रेस करेंगे और फिर आप डिफरेंस देखिए, स्पीड बढ़ चुकी है और यहाँ एयर फ्लो इंक्रीज हो चुका है। सिमिलरली एक बार और प्रेस करने पर इसका स्पीड और अप हो जाती है, तो ये फुल स्पीड है अब इसकी। और यहाँ आप फील कर सकते हैं साउंड को, इसको सुन के समझ सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और इसको बंद करने के लिए एक बार फिर प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाता है। अब इसको करते हैं हम अपने हेलमेट पर माउंट। सो नाउ हमारे पास ये शीरो का हेलमेट है और हम इस पर चेक करेंगे कहाँ पर इसकी बेस्ट पोजीशन फिट हो सकती है। तो इसका आगे जो ये कर्व है ना, इसकी वजह से हमने चेकआउट किया है कि ये यहाँ पर इस तरीके से ज़्यादा अच्छी पोजीशन में इंस्टॉल हो सकता है। तो ये आपको हर मॉडल के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपके हेलमेट पर कहाँ सही फिट हो सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ हमारा मैक्सिमम इंस्टॉलेशन जो है, मैक्सिमम विदाउट गैप फिट हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पर फिट करेंगे। इसको अब इंस्टॉल करने का बहुत अच्छा है कि पहले आपकी जो सरफेस है वो एकदम क्लीन होनी चाहिए, वहाँ बिल्कुल ऑयली फील नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपको इसे रिमूव करना है, ये सिंगल वन टाइम यूज़ है, 3M के टेप्स हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको इसे बड़े आराम से रिमूव करना है, तो आप ये देख सकते हो। और ये अगर कहीं भी टच होता है ना, तो आपको नुकसान, मतलब इसे रीयूज़ नहीं कर पाएंगे आप। तो सबसे पहले हम यहाँ सेंटर में इसे प्लेस करेंगे, ये आप देख सकते हैं, हमने इसको कुछ इस तरीके से सेंटर में, एकदम सेंटर में इसको लिया। इसको सेंटर में लेने के बाद आप एक एक स्ट्रिप्स, ये स्ट्रिप्स फ्लेक्सिबल हैं और आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा लेफ़्ट टू राइट कर सकते हैं या अप एंड डाउन थोड़ा सा मूव कर सकते हैं। तो हमने सेंटर में अच्छे से प्रेस कर दिया है, अब हम इस वाली को प्रेस करेंगे। तो इसको हमने बिल्कुल विदाउट स्पेस के यहाँ अच्छे से ले कर दिया। सिमिलर अब हम राइट साइड वाली को भी अच्छे से प्रेस करके, जैसे हमने ये देखिए आप, हमने बिल्कुल एज पर लिया है इसको, जिससे कि ये बिल्कुल विदाउट गैप इंस्टॉल हो जाए। अब नाउ जो हमारी ये नेक्स्ट वाली है, नेक्स्ट वाली को हम इसी के साथ में हमने पेस्ट किया। और इस साइड भी जो है हमारा, ठीक है, तो नेक्स्ट साइड भी हमने इसको इसके साथ अच्छे से, इसको लगाने के बाद ना आप बहुत अच्छे से प्रेस जरूर कर दें, ताकि कहीं भी, अब आप यहाँ ज़रूर देख लें कि यहाँ देखिए कहीं भी हमने स्पेस नहीं छोड़ा है। तो इस तरीके से ये हमारे बहुत अच्छा हो चुका है और यहाँ हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, हमारा जो ये फ्रंट का एयर फ्लो वाला है, हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये कितना अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है। आप इस पर अपना GoPro या कोई भी एक्शन कैमरा भी माउंट कर सकते हो। और यहाँ आप देख सकते हो कितना स्ट्रॉन्ग है, पहले मैं इसका रिव्यू आपको दिखा देता हूँ। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप इसके साथ ना पूरा हेलमेट, ये आप देखो,
पूरा हेलमेट आप कितना भी हिला सकते हो, मीन्स आपका कितनी भी स्पीड बढ़ना आपका कैमरा गिरने का चांस नहीं रहेगा अगर आप इसको अच्छे से इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ हमने बहुत अच्छे से इंस्टॉल किया है और अब हम इसमें करने वाले हैं ये इंस्टॉल। तो इसको इंस्टॉल करने का तरीका मैंने बता दिया आपको, ये जो है आपको इस तरीके से रखना है आपके हेलमेट के साथ। यहाँ एक्सटेंडर्स भी है जो इसके, तो हमें इस तरीके से ये रखकर और यहाँ प्रेस कर देना है। तो यहाँ आप देख सकते हो हेलमेट पर ये कितने अच्छे से फिट हो गया है। और अगर आपके लॉन्ग चेन वाला हेलमेट है तो आप इसमें एक्सटेंडर यूज कर सकते हैं, हमारा ये परफेक्ट फिट हुआ है। तो अभी मैं इसको आपको पहनकर दिखा देता हूँ। हेलमेट पहनने में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है इस हेलमेट में, ये आप देख सकते हैं चेन भी काफ़ी अच्छे स्पेस में है। तो अगर आपके हेलमेट के डिज़ाइन में, किसी किसी हेलमेट के डिज़ाइन में आपको प्रॉब्लम लग सकती है, बट जैसे ये शीरो का हेलमेट है तो इसमें ये परफेक्ट फिट आ रहा है। तो अगर आपको हेलमेट भी चाहिए जो परफेक्ट फिट वाला हो तो आप इस हेलमेट को ट्राई कर सकते हैं। नाउ इसे रन कर, इसे फिर से हम ऑन करेंगे। तो यहाँ एक्चुअली बहुत अच्छा फील आ रहा है इस टाइम, अगर मैं अंदर बंद भी कर लेता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो कितना अच्छे से अंदर स्पेस है, यहाँ से मेरी चिन भी बिल्कुल इसमें नहीं टकरा रही थी। और इसका रिव्यू, ये तो इंस्टॉलेशन और थोड़ा सा क्विक रिव्यू आपने देख लिया, बाकी मैं इसका रिव्यू अपनी नेक्स्ट राइड पर दूंगा जहाँ मुझे गर्मी लगेगी, मैं वहाँ इसका यूज़ करने वाला हूँ और वहाँ इसका मैं रिव्यू आपको और अच्छा डिटेल रिव्यू दूंगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। इसको बाय का, इसको परचेज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप ब्लू आर्मर की वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं और लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ। तो ये मेरी तरफ से एक रिकमेंडेड प्रोडक्ट है अगर आप गर्मी में रहते हैं, और सिटी राइड्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। लॉन्ग राइड्स पर आप यहाँ अपना एक्शन कैमरा वगैरह माउंट करना चाहेंगे, पर जब आप सिटी राइड्स में, ट्रैफिक में, डे टाइम में रनिंग राइड करते हैं तो उस टाइम के लिए तो ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। तो थम्स अप फॉर दिस। एंड इसका प्राइस भी बहुत अफोर्डेबल है, 2299, और कुछ टाइम डील्स वगैरह भी आपको मिली जाती हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अच्छा अच्छा कंटेंट आने वाला है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग JS Extreme।